लगा सकते हो, 30 mm टरेट जो कि अभी लगा हुआ है, एग्जिस्टिंग BMP टरेट है, और अगर आप इस पर 105 mm गन लगाते हो तो इसका लाइट टैंक कन्वर्ट हो जाता है, 30 mm लगाते हो तो ICV हो जाता है, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल। भारतीय सेना के पास अभी तक ऐसा कोई स्वदेशी टैंक नहीं था, सभी टैंक विदेशी थे। ये मल्टी यूटिलिटी टैंक 8 किलो TMT में भी माइंड प्रोटेक्टिव है। भारत का ये बाहुबली माइंस से लेकर ड्रोन के हमले को झेलने में सक्षम है, यानी MPBS तकनीक से लैस ये जमीन के साथ पानी पर भी आसानी से तैरकर दुश्मनों के छक्के छुड़ा देगा। 25 टन है, फिर भी इतने अच्छे से डिजाइन किया हुआ है कि ये पानी में भी फ्लोट करेगा। वही एक टेक्नोलॉजी है MPBS टेक्नोलॉजी जो हमने डिजाइन किया हुआ है अलॉन्ग विद हाइड्रोजेट्स। सो पानी भी है, कोई रिवर या कैनल भी आता है बीच में, तो ये अपने आप फ्लोट करके वहाँ से निकल जाएगा, और कोई भी मतलब ब्रिजेस वगैरह ब्रेक भी किए हैं तो भी वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो अपने आप क्रॉस करके बाकी अदर साइड के टेरेन में जाके अपना परफॉर्म करेगा। चीन की चालबाजी को करारा जवाब देने और ड्रैगन का फन कुचलने के लिए इस ऑल इन वन आर्म प्लेटफॉर्म को नॉर्दर्न बॉर्डर पर तैनात किया गया है। मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।